हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं जो निर्भया केस में डेथ वारंट जारी किया गया है चार आरोपियों के ऊपर, उसके बारे में आप लोगों से बात करने वाली हूँ। आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा कि डेथ वारंट क्या होता है और ये कब जारी किया जाता है। तो 2012 का ये जो जघन्य अपराध इन चारों आरोपियों ने किया था, इसके लिए इन्हें डेथ वारंट जारी किया गया है। ये 7 साल के बाद इनको ये सजा मिली है, जिसके ऊपर 22 जनवरी को इनको फांसी की सजा हो सकती है। तो आज इस वीडियो में देख लेते हैं कि डेथ वारंट क्या है। 22 जनवरी सुबह 7 बजे इन चारों आरोपियों को फांसी दी जाएगी। तो अब देख लेते हैं कि भारत का इतिहास कैसा रहा है डेथ वारंट के ऊपर, कितने लोगों को अभी तक फांसी दी जा चुकी है। आजाद भारत होने के बाद भारत में 57 लोगों को फांसी दी जा चुकी है। अगर इन चारों आरोपियों को भी फांसी दी जाती है तो ये पूरा संख्या जो है 61 हो जाएगा। लास्ट फांसी 2015 में याकूब मेनन को दी गई थी 1993 बम ब्लास्ट के लिए। और उसके बाद अब देख लेते हैं कि डेथ वारंट होता क्या है। तो सीआरपीसी में जो फॉर्म्स की संख्या होती है वो 56 होती है, उसमें जो एक 42 फॉर्म नंबर जो है उसे डेथ वारंट कहते हैं, या ब्लैक वारंट भी इसे कहा जाता है। इस फॉर्म 42 में वारंट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ए सेंटेंस ऑफ डेथ लिखा रहता है फॉर्म के ऊपर। और मैं आपको ये फॉर्म भी दिखा दूंगी, जिसमें आप देख सकेंगे कि क्या क्या इस फॉर्म में लिखा रहता है। मैं शेयर कर दूंगी इस वीडियो में उस फॉर्म को भी। तो अब देख लेते हैं इस फॉर्म में क्या क्या रहता है। इस फॉर्म में जितने भी कैदी हैं जिन्हें फांसी दी गई है उसकी संख्या दी गई होती है, इनका नाम दिया रहता है, कब उनको फांसी दी जाएगी वो दिया जाता है, डेट दिया जाता है, उसका टाइम दिया जाता है, सब कुछ मेंशन रहता है, FIR दिया जाता है, केस नंबर इसमें मेंशन रहता है। और जो भी जज इसको फांसी की सजा सुनाते हैं उनका हस्ताक्षर रहता है, जेलर का भी हस्ताक्षर रहता है, ये सब सारे फॉर्म में भरे जाते हैं। ये है फॉर्म नंबर 42, वारंट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ए सेंटेंस ऑफ डेथ, जिसमें लिखा रहता है इसमें प्रिजनर की संख्या आप देख रहे होंगे, सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ इसमें मेंशन करना है, कौन से सेशन कोर्ट में ये दी गई है सजा, ये सब, और कौन सा केस नंबर, FIR नंबर, सब कुछ इसमें मेंशन किया जाता है इस फॉर्म के अंतर्गत। और कोर्ट का मोहर भी लगा रहता है, जज का सिग्नेचर भी लगा रहता है, सब कुछ आप देख रहे होंगे इसमें लिखा हुआ है। तो यही वो फॉर्म है जिसे जारी किया गया है। इस फॉर्म में हैंग टिल डेथ की भी बात कही गई है, इसका मतलब है तब तक हैंग करना है अपराधी को जब तक कि उसकी मृत्यु ना हो जाए। और इस मृत्यु की जो पुष्टि है वो डॉक्टर के द्वारा की जाती है। और डेथ वारंट जारी होने के बाद कुछ टाइम दिया जाता है ताकि जो भी अपराधी है उसे अपने फैमिली से मिलना है, या कुछ हस्ताक्षर करना है, या कुछ अपना वसीयत बनाना है, या जो भी जरूरी काम है वो इन समय में अपनी पूरी कर ले, या जो भी अगर लीगल रिमेडी बची हुई है उसके पास वो क्यूरेटिव पिटीशन दे सकता है, या प्रेसिडेंट के पास दया याचिका दे सकता है, जो भी अगर वो कर सकता है इन समय में, कुछ समय जो उसे मिलती है ये उसमें कर सकता है। जैसे कि अभी निर्भया में अभी 15 दिन का समय था डेथ वारंट जारी होने के बाद, तो एक जो अपराधी है उसने क्यूरेटिव पिटीशन भी दाखिल किया गया है। आगे आने वाली वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि क्यूरेटिव पिटीशन को भी कवर करके आप लोगों को जल्दी बताऊं कि वो क्या होता है। आजाद भारत में काफी लोगों को डेथ वारंट मिल चुका है, पर फांसी की सजा मिलना एक अलग बात है और उसका एग्जीक्यूशन होना एक अलग बात है। जैसे विक्टिम को बहुत सारे राइट दिए गए हैं, वैसे ही अपराधी को भी बहुत सारे राइट मिले हैं, बहुत सारे उनके पास अपील करने के अधिकार हैं, दया याचिका करने के अधिकार हैं, क्यूरेटिव पिटीशन करने के अधिकार बहुत सारे दिए हुए हैं उनको भी अधिकार, जिससे काफ़ी मामले भी डिले होते रहते हैं, मामला सालों साल तक इंडिया में ऐसे चलता रहता है। इस वजह से बहुत सारे जो मामले में फांसी की जगह उनको उम्र कैद दी हो जाती है, कन्वर्ट हो जाता है, या माफ कर दिया जाता है उनका फांसी, तो ऐसे कुछ ही मामलों में जो की है फांसी इंडिया में दी गई है। तो अब देखते हैं कि इस मामले में क्या होता है 22 जनवरी को। तो ये था मेरा वीडियो आज का डेथ वारंट के ऊपर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि डेथ वारंट क्या होता है, कब जारी किया जाता है, इस सब के बारे में आपको जितने भी डाउट है क्लियर हो गए होंगे।
अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए और आप चाहते हैं कोई भी आगे मेरा वीडियो मिस ना करें, तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।